वीडियो के नीचे दिए गए इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट गाइड एंड टेक न्यूज इन हिंदी को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन सब कैंडिडेट के लिए खास होने वाला है जो राजस्थान पुलिस के एग्जाम से संबंध रखते हैं या राजस्थान पुलिस का एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट के लिए वीडियो खास होने वाला है। तो वीडियो में हम सबसे पहली बात करेंगे फ्रेंड्स, राजस्थान पुलिस के जो ऑल ओवर एग्जाम थे उन सब की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। ये निर्णय कल हुई मीटिंग जो PHQ में मीटिंग हुई थी उसमें उचित निर्णय लिया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस कारण से ये निर्णय लिया गया है और आगे जो ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम कब होगा और पदों को क्या जो 15,000 पद थे उनको इसमें समाहित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन होगा एग्जाम या ऑफलाइन होगा, या और क्या क्या निर्णय जो मीटिंग में लिया गया है, बैठक में लिया गया है। तो इस वीडियो में हम इससे संबंधित पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें क्योंकि आप सबके लिए वीडियो खास होने वाला है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां से देख सकते हैं बड़े पैमाने पर नकल का मामला सामने आने पर लिया गया फैसला। कॉन्स्टेबल जो भर्ती की पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, अब ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो सबसे बड़ी बात ये निर्णय लिया गया है कि उम्मीद है कि अब ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, जो आगे एग्जाम होगा वो ऑफलाइन एग्जाम ही होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर नकल के मामले सामने आने पर पहले इसका सिर्फ दूसरा चरण स्थगित किया गया था, लेकिन मंगलवार को हुई अहम बैठक के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस पूरी कंप्लीट परीक्षा को ही रद्द कर दिया। अब जो 5359 पद हैं पर पूरी परीक्षा नए सिरे से होगी। DGP ने ऑनलाइन परीक्षा कराने से इनकार किया, यानी कि अब DGP ने इनकार कर दिया कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं करवाया जाएगा और सूत्रों की अगर माने तो परीक्षा ऑफलाइन होगी। जो आगे एग्जाम होगा वो सूत्रों की माने तो ऑफलाइन एग्जाम ही होने की उम्मीद है। यानी कि जो 5359 पदों पर जो वैकेंसी की जो भर्ती थी, यानी भर्ती थी उसमें 16,00,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और एग्जाम 7 मार्च से स्टार्ट था। 20 मार्च के बाद जो एग्जाम दूसरा चरण था उसको पहले स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब कंप्लीट जो परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा जो निर्णय लिया गया वो ये है कि जो जिन कैंडिडेट ने पहले आवेदन कर दिया है, जो आगे एग्जाम होगा उसमें दोबारा उनसे आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो एक बार पहले ही आवेदन कर चुके हैं। ये भी पुलिस मुख्यालय ने एक अहम फैसला लिया है। इसके अलावा सबसे बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि जो पकड़े गए जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है SOG ने। पुलिस मुख्यालय ने बताया कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल करते पकड़े गए परीक्षार्थी अब नई सिरे से होने वाली परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। ऐसे परीक्षार्थियों को ब्लैकलिस्ट कराने की जो SOG ने पहले ही तैयारी कर चुकी है, यानी वो अब होने वाले एग्जामों में कैंडिडेट नहीं बैठ पाएंगे। ये भी एक बढ़िया निर्णय लिया गया है क्योंकि जो मेहनत करते हैं, जो कैंडिडेट रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनके साथ तो बहुत बड़े स्तर पर धोखा ही होता है। जो नकल करवाते हैं, जो सेटिंग करके एग्जाम पास कर लेते हैं, ये भी एक उचित निर्णय लिया है। तो हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। विभाग द्वारा जो निर्णय लिया गया है तो हमें बहुत बड़ी ये खुशी है कि जो ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा हम देख लेते हैं गिरोह के आगे बेबस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द, नकल गिरोह के आगे सरकार को बेबस होना पड़ा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो DGP OP गल्होत्रा है उन्होंने बताया कि एप्टे कंपनी की भूमिका की भी इसमें SOG जांच कर रही है क्योंकि उनके अधिकारी भी इसमें शामिल होने की पूरी उम्मीद है। परीक्षा नए सिरे से कराई जाएगी। 5390 पदों के साथ अब बजट में 15,291 पदों की कॉन्स्टेबल भर्ती करने के लिए भी परीक्षा होगी। यानी कि जो 15,291 पदों की जो बजट में घोषणा की गई थी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, इसको इसमें समाहित किया जा सकता है। तो करीबन 20,000 पदों पे ये भर्ती का एग्जाम करवाने की विभाग की तैयारी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आगे जो एग्जाम होगा, जो परीक्षा होगी, उसमें 20,000 पदों पे होने की उम्मीद है। इसके अलावा जो निर्णय लिया गया वो है कि करीबन जो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि 16,00,000 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था, तो अब जो आगे जो परीक्षा होगी वो कब होगी। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्जाम है जो स्थगित कर दिया गया है, तो सितंबर से अक्टूबर तक जो ऑफलाइन एग्जाम होने की उम्मीद है, विभाग इस पर तैयारी कर रहा है। अगर ये भर्ती 20,000 पदों पे करवाएगा तो इसमें टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है, और अगर ये 5,000 पदों पे करवाएगा तो जल्दी भी करवा सकता है, ये विभाग इसमें निर्णय लेगा। और ये परीक्षा फ्रेंड्स बता दूं 45 दिन चलने वाली थी, लेकिन 10 दिन बाद इसको स्थगित करना पड़ा। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पुलिस विभाग का एग्जाम होते हुए पुलिस द्वारा भी नकल गिरोह पे अंकुश नहीं लगाया जा सका।
तो हम सरकार को ये सोचना चाहिए कैंडिडेट के लिए जो मेहनत करते हैं उनके लिए, सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसी संस्था को एग्ज़ाम करवाने के लिए दिया जाए जो जिससे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम पे जो आउट नहीं हो, जैसा कि बैंक के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं पहले से होते आ रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, उनके एग्ज़ाम कभी आउट नहीं होते, तो ऐसी संस्था को इसका ठेका दिया जाए ताकि पेपर आउट होने की कम उम्मीद हो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाए। तो इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जब होते हैं तो केवल सरकारी विद्यालयों में ही जो है एग्ज़ाम करवाए जाए, प्राइवेट में नहीं करवाए जाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट कर्मचारी जो होता है वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करता है क्योंकि वो नौकरी अपने दाव पे नहीं लगाता है। लेकिन जो प्राइवेट संस्था को जब देते हैं तो वो इसकी परवाह नहीं करते हैं और नकल करवाते हैं और पेपर को भी आउट कर देते हैं। तो इस पर सरकार को कुछ सोचना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।